नमस्कार दोस्तों, अनेक बार हम सभी लोगों ने एक टर्म सुना है जिसका नाम है दुराशय। आपराधिक कानूनों में यानी क्रिमिनल लॉज में किसी व्यक्ति की लायबिलिटी तय करनी हो तो मेंस रिया अर्थात दुराशय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे दुराशय होता क्या है। दुराशय इसमें आशय शब्द आ रहा है, उसके आगे दू लग रहा है, तो दू शब्द बुरे के लिए यूज किया जाता है, यानी दुराशय मतलब बुरा आशय, इसको इंग्लिश में मेंसरिया कहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे मेंसरिया, जैसे हम कहते हैं दुराशय। तो आपराधिक कानूनों में यानी जो क्रिमिनल लॉज होते हैं, उस क्रिमिनल लॉ का ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि कोई एक्ट अपने आप में अपराध नहीं है जब तक कि करने वाले की मनस्थिति भी बुरी ना हो, यानी आपराधिक मनस्थिति क्यों ना हो। तो मेंसरिया एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसको अंग्रेजी में गिल्टी माइंड कहा जाता है। गिल्टी माइंड का नाम गिल्टी माइंड से स्पष्ट होता है, गिल्टी मतलब दोषी और माइंड यानी मनस्थिति, तो इसे हम आपराधिक मनस्थिति भी कह सकते हैं। तो मेंसरिया एक आपराधिक मनस्थिति है, यानी जो व्यक्ति कोई कार्य करता है यदि उसके मन में भी आपराधिक स्थिति है, आपराधिक मनस्थिति, यानी करते समय वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, वो जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, किसी को हानि पहुंचाना चाहता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने यह अपराध किया है। पर मान लीजिए उसका ऐसा आशय बिल्कुल भी नहीं था कि किसी को नुकसान पहुंचे, वह व्यक्ति तो गुड फेथ में काम कर रहा है, यानी सद्भावना पूर्वक काम कर रहा है, तो इस स्थिति में उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो यहां हम समझेंगे दुराशय होता क्या है। तो दुराशय एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, यानी एक मनस्थिति है, और एक ऐसी मनस्थिति जब व्यक्ति जानबूझकर कुछ गलत करना चाहता है, जानबूझकर ऐसा काम करना चाह रहा है जो देश के कानून के विपरीत है। उसे पता है कि देश का कानून क्या है और वो क्या कर रहा है। उदाहरण के तौर पर ए बी को मार रहा है और मारने का आशय यही कि उसे क्षति पहुंचाना है, और ए यहां पर एक उदाहरण दूसरा देखते हैं, ए बी को मार रहा है लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए मार रहा है, एक प्राइवेट डिफेंस में हो गया, तो पहला वाला दुराशय हो जाएगा लेकिन दूसरा वाला दुराशय नहीं। दूसरे वाले में वो मार इसलिए रहा है ताकि वो अपने आप को बचा सके, नहीं अगर वो नहीं मारेगा तो सामने वाला जो अटैकर है, जो हमला करता है, वो उसे मारेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना पड़ेगा कि मेंसरिया का तात्पर्य होता है जानबूझकर कोई आपराधिक कानून करना, और ये उसे जानकारी में है, यानी व्यक्ति का इंटेंशन है, यानी उस व्यक्ति का आशय है, और व्यक्ति को ज्ञान है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। ये एक लैटिन भाषा का सूत्र है, एक्टस रियम नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। ये कहता है कि एक्ट अकेला अपराध नहीं होता है, यानी कुछ कार्य करना ही अपराध नहीं होता है, कार्य करते समय आपराधिक मनस्थिति जो होती है यह भी महत्वपूर्ण होती है। तो एक्ट के साथ मनस्थिति भी होना चाहिए, एक्टस रियस और मेंस रियस, ये दोनों मिलकर ही आपराधिक मनस्थिति इन आपराधिक कार्य का निर्माण करते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं, एक जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं बच्चे का, एक बच्चा है जिसे नहीं पता है कानून क्या होता है, नियम कायदे क्या होते हैं। वो बच्चा किसी खिलौने की शॉप पे गया और उसे कोई खिलौना पसंद आ गया और उसको वो बिना पैसे दिए उठा के ले आया, तो यहाँ पर बच्चे की कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। यदि बच्चा 7 साल से छोटा है तो इस स्थिति में माना जाएगा कि बच्चे की अभी परिपक्वता नहीं है, उसे नहीं पता है कि खिलौना जो है क्रय करना पड़ता है, उसके लिए रुपए देने पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चे की क्रिमिनल लायबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं था, यानी उसकी कोई आपराधिक मनस्थिति नहीं है। यहां पर बच्चे को चोरी के अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा उदाहरण देखें, अनसाउंड माइंड यानी एक पागल व्यक्ति की बात करें, एक पागल व्यक्ति है जो सड़क से गुजर रहा है, उसने पत्थर उठाया और किसी व्यक्ति के कार का कांच तोड़ दिए, तो यहां पर चूंकि वो पागल है, उसे नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, उसका अपने मन पर नियंत्रण ही नहीं है, तो इस स्थिति में उसकी आपराधिक मनस्थिति नहीं होने की वजह से अपराध नहीं माना जाएगा। एक और उदाहरण देखिए गुड फेथ में, अब एक डॉक्टर है, वो पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं और ऑपरेट करते समय उनका डॉक्टर का तो इंटेंशन यही है कि पेशेंट की व्याधि दूर हो, उसकी बीमारी दूर हो, यानी उसका डॉक्टर का इंटेंशन मरीज को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, वो तो गुड फेथ में उसके भलाई के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश ऑपरेशन सक्सेस नहीं रहा, पेशेंट को कुछ नुकसान पहुंच गया, तो यहाँ पर डॉक्टर की कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। जो डॉक्टर काम कर रहे थे वो सद्भावना पूर्वक काम कर रहे थे, गुड फेथ में काम कर रहे थे। ऐसे ही कंसेंट, किसी व्यक्ति की सहमति लेकर, वॉलेंटरी नॉन फिटिंग जूरिया, यानी कहता है कि यदि व्यक्ति ने कंसेंट दी है और उनकी कंसेंट से हम कोई काम कर रहे हैं और हमारा इंटेंशन कोई बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि नुकसान पहुंचा, जैसे दो बॉक्सर हैं, बॉक्सर बॉक्सिंग में क्या कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, या कुश्ती में या कोई क्रिकेट में कहीं कोई शॉट लग गया, या कुश्ती में किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंच गया, तो यहां पर आयोजकों ने कंसेंट ले रखी थी,
जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों ने अपनी कंसेंट यानी अपनी सहमति दे रखी थी, इसलिए आयोजकों का कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी यहां पर नहीं बनेगी, क्योंकि वो अपराध करने का उनका कोई इच्छा नहीं थी। अब यहां पर ये दुराशय होता है, ये होता कहाँ है? ये दुराशय मस्तिष्क में होता है, ये अलग अलग फॉर्म में होता है। दुराशय के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। दुराशय वॉलेंट्रीली भी हम कह सकते हैं, स्वेच्छा से भी होता है। कोई काम स्वेच्छा से किया जा रहा है, कोई काम इंटेंशनली आशयपूर्ण किया जा रहा है, कोई काम नॉलेज से किया जा रहा है जिसको ज्ञान है, कोई काम रेकलेसली मतलब कोई काम इस प्रकार से किया जा रहा है जिसमें लापरवाही हो रही है, जितने ध्यान की जरूरत हो उतना ध्यान नहीं रखा जा रहा है, निग्लिजेंस उपेक्षा की जा रही है, उपेक्षा यानी ड्यू केयर नहीं रखा जाता है। तो ये सब मेंस रिया के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। तो आप सभी को मेंस रिया क्लियर हुआ होगा, मेंस रिया जिसे हम दुराशय कहते हैं, और अपराध इसके बिना नहीं बन पाएगा। यानी सिर्फ एक्ट अपराध नहीं होता है, कोई कार्य करना ही अपराध नहीं होता है, कार्य के साथ अपराधी मन स्थिति भी होना जरूरी होती है, इसी मन स्थिति को दुराशय कहा जाता है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।